कुलाधिपति द्वारा दीक्षांत के गणवेश के विषय में गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार इस बार महिला शिक्षक क्रीम कलर की लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनेंगे, जबकि पुरुष शिक्षक क्रीम कलर का जैकेट पहनेंगे। दीक्षांत समारोह की तैयारियों की आज संपन्न एक समीक्षा बैठक में इस बारे में व्यापक विचार विमर्श किया गया। कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने अमित द्वारा बनाया गया लोगो का लोकार्पण किया। आगामी 26 अक्टूबर को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह के सभी 32 आयोजन समितियों के संयोजकों और सह संयोजकों एवं अधिष्ठाताओं की इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण ने कहा कि सभी समितियों को आयोजन तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे देना चाहिए। प्रोफेसर सिंह ने प्रत्येक समिति के संयोजक से अब तक की प्रगति का विवरण जाना और उस पर समीक्षात्मक सुझाव भी दिए। दीक्षांत अनुश्रवण समिति के संयोजक प्रोफेसर ओपी पांडे ने सभी समितियों से आग्रह किया कि वो अपनी कार्य योजना का विवरण उनके कार्यालय को उपलब्ध करा दें। बैठक में कुलपति प्रोफेसर सिंह ने मुख्य आयोजन स्थल दीक्षा भवन की व्यवस्था एवं साज सज्जा 10 दिन के भीतर मुकम्मल करने का भी निर्देश दिया। बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित, कुल सचिव श्री सुरेश चंद्र शर्मा, परीक्षक नियंत्रक डॉक्टर अमरेंद्र सिंह सहित विश्वविद्यालय समस्त प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, इसीलिए आप लोग को पीछे रखते हैं। मिशन को सटीक में दीक्षांत समारोह को और जो है उसमें अपने राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों को जो है सम्मानित किया गया है, जिसको एक साथ जो है जाते हुए दिखाया गया है, भाव को एक तरह से दर्शाया गया है। विनर इसमें जो है अजीत कुमार विश्वकर्मा जो है नंबर 7 2 3 4 0 6 5 6 7 2 ये नाम क्या है। ये हमारे विश्वविद्यालय का 37th दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है। 26 अक्टूबर 2018 को विश्वविद्यालय में महामहिम की अध्यक्षता में हम लोग इस दीक्षांत समारोह का प्रयोजन करेंगे और इसरो के जो सिटिंग चेयरमैन हैं के सिवन साहब, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे और 26 अक्टूबर को दीक्षांत भाषण में उनका सहयोग प्राप्त होगा और मुख्य अतिथि के रूप में एड्रेस करेंगे। और इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय की जो परंपरा रही है लोगो चयन के लिए, हम अभ्यर्थियों के बीच में विद्यार्थियों के बीच में कंपटीशन करते हैं, जिसमें गौरव विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी महाविद्यालयों के छात्र समेत विद्यार्थियों से इंट्रीज आमंत्रित की जाती हैं। इस बार करीब 90 अभ्यर्थियों ने अपने लोगों के सिंबल बनाए, जिसको हमारे यहाँ मैडम सुधा यादव और ओपी पांडे जी ने एक कमेटी के माध्यम से चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना है। और अजीत कुमार विश्वकर्मा जो BA द्वितीय वर्ष के छात्र हैं बहादुर यादव महाविद्यालय भट्टी देवरिया के, उनके लोगों को फर्स्ट नंबर पे चयन किया गया है। इसलिए अब हमारे विश्वविद्यालय का इस वर्ष के दीक्षांत समारोह का यही लोगो प्रसारित किया जाएगा। बड़ा बदलाव तो महामहिम ने स्वयं किया है कि गत वर्षों में वो दिसंबर वगैरह में नवंबर दिसंबर में आयोजन हुआ करता था और नवंबर दिसंबर में नॉर्मली हमारे यहाँ की फ्लाइट सर्विसेज कम अच्छी नहीं रहते होने के कारण अक्सर ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत जाती थी। लास्ट ईयर भी वेदर बहुत ख़राब था, महामहिम को आने में दिक्कत हुई और चूँकि उस वेदर कंडीशन को देखते हुए महामहिम ने इस बार अक्टूबर में ही हमारे यहाँ का कन्वोकेशन का शेड्यूल कर दिया है, जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि कोई वेदर संबंधी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो जो हमारे चीफ गेस्ट बेंगलोर से आ रहे हैं वो इसरो के चेयरमैन हैं और महामहिम स्वयं को भी जो लखनऊ से आना है और अन्य अतिथिगणों देश के प्रदेश के विभिन्न भागों से आएंगे, तो सबको यहाँ पहुँचने में आसानी रहेगी। और हर वर्ष की भांति हमारा पूरा विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह के योजना में जुड़ा हुआ है, सब मेहनत से काम कर रहे हैं, कैंपस की साफ सफाई की जा रही है और जो विशेष ध्यान दिया जाता है कि हम सुचारू रूप से हम अपना कम्युनिकेशन प्रसारित कर पाएँ
टाइम मिनट टू मिनट ऑलरेडी बन गया है, महामहिम के लिए पास भेज दिया गया। 2.5 घंटे का ये हमारा प्रोग्राम होगा, सुबह 10 बजे से शुरू होगा, 12:30 बजे तक समस्त कार्यक्रम आयोजित कर दिए जाएंगे। उसी में हमारे गोल्ड मेडलिस्टों को लगभग 73 मेडलिस्ट हैं हमारे, जिनको हमें मेडल भी देना है, और महामहिम के दीक्षोपदेश के बाद दीक्षांत समारोह समाप्त हो जाएगा।